आजमगढ़ जिले के सिविल लाइन इलाके में मकान मालिक और किरायेदार के बीच दुकान खाली कराए जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मकान मालिक ने रात के सन्नाटे में दुकान को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया और मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित राजेंद्र गुप्ता सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास चाय की दुकान करता है और लंबे समय से मकान मालिक और पीड़ित किरायेदार के बीच दुकान खाली कराए जाने को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद मकान मालिक ने रात के सन्नाटे में दुकान को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया था। वहीं इस पूरे मामले में जब पीड़ित ने सिविल लाइन पुलिस चौकी पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने उसे डांट कर भगा दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एसपी से की, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए जांच सीओसीटी को सौंपी और सीओसीटी अजय यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि निलंबित दरोगा वीरेंद्र यादव लगभग तीन दिन पूर्व ट्रांसफर होने के बाद भी सिविल लाइन पुलिस चौकी पर कार्य कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कल शाम को 7 बजे के आसपास एक तहरीर दी गई है वादी राजेंद्र गुप्ता द्वारा कि पुलिस चौकी सिविल लाइन्स के बगल में इनकी दुकान है, किराए पर दुकान ले रखी है, जिसमें ये चाय और मिठाई वगैरह की दुकान चलाते हैं। तो इनके किराएदारी को लेकर विवाद चल रहा था मकान मालिक से, तो इसी संबंध में इन्होंने तहरीर में आरोप लगाया है कि 8 और 9 तारीख यानी 8 की रात में करीब 2 बजे इनकी दुकान को जो है विपक्षी द्वारा गिरा दिया गया है, और जिसमें इन्होंने तहरीर में वहाँ के चौकी इंचार्ज जो हैं उनकी संलिप्तता या संदिग्धता बताई है। तो इस आधार पर, तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया जो है FIR दर्ज करा दी गई है चौकी इंचार्ज और 2 अन्य के खिलाफ, और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और बाकी इनके खिलाफ जो है जांच प्रचलित है। जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।